नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस से अग्रिम पंक्ति पर लड़ रहे कोविड वॉरियर्स के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS में कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए 5 सीटें रिजर्व रहेंगी। सरकारी समाचार सेवा प्रसार भारती के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि कौन लोग कोविड वॉरियर्स के दायरे में आएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह घोषणा की है कि मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों में 5 सीट कोविड वॉरियर्स के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड वॉरियर्स वो है जो जमीन पर काम करने वाले आशा कार्यकर्ता और अस्पताल में काम करने वाले नर्स या डॉक्टर हैं। इसके बच्चों के लिए राष्ट्रीय कोटे में से 5 सीट आरक्षित की गई है। मेरिट के आधार पर उनका नामांकन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय पुल MBBS BDS सीटों के तहत 2020-21 के लिए वार्ड ऑफ कोविड वॉरियर्स के उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के लिए नई श्रेणी को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये उन सभी कोविड योद्धाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। बताया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए इस श्रेणी के लिए 5 केंद्रीय पुल MBBS सीटें आरक्षित की गई है। केंद्रीय मंत्री ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के एक कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान किया। इसी दौरान मंत्री ने कहा, आप इस जानलेवा वायरस से छोटी छोटी सावधानियों जैसे कि अच्छे क्वालिटी का मास्क पहनकर, सामाजिक दूरी बनाते हुए और हाथ की सफाई का ध्यान रखकर अपनी रक्षा और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।